सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री शिव कुमार बंसल जी। फर्म ओम प्रकाश शिव कुमार, ओम शिव एंड कंपनी एवं ओम तारा फूड प्रोसेसर्स। आप दालों का व्यवसाय करते हैं। आपकी फर्म सन 1982 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत, अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज ऐसे व्यक्ति से आज का आपका रूबरू करवा रहा हूँ जिसका संपर्क इनके पिता श्री ओम प्रकाश जी से चलता आ रहा है। वो आजकल नहीं आ रहे हैं ऑफिस में दुकान पे, कारण उनका सुपुत्र देख रहे हैं और सुपुत्र भी पिता के मार्ग पर चिन्हों पर चलते आगे बढ़ रहे हैं। जैसा व्यवहार पिताश्री का था, इनके भी व्यवहार में कहीं भी कमी नहीं है। आओ भक्त में, आने जाने में, करने में, कहीं भी जो भी आता है, भक्त पूरी इनकी तरफ से रहती है, जैसे इनके पिताजी ही करते थे। आप का नाम श्री शिव कुमार जी है, जिनका मेरा संपर्क ऊपर रहने के कारण थोड़ा कम रहता है, बाकी जब भी आते हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा पूरी इज्जत करते हैं। आज मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ, कब से व्यापार में आए, क्या कर रहे हैं और पिताश्री के इसी तरह से मार्गदर्शन चल रहे हैं, ये इनके मुखारविंद से सुनने के बाद ही पता लग सकेगा। आदरणीय शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हनुमानचंद गोलछा जी। आप व्यापार में कब आए, कैसे किया, पिताश्री के आते हैं या कैसे हैं, उनकी पूरी व्यापारी भाइयों को ये जानकारी देनी कृपा करें। एक्चुअली मैं सही मायने में तो व्यापार में 1998 में आया, पर लेकिन शुरुआत में तो 12th के पेपर देने के बाद ही हमारे फादर ने हमें यहाँ पर तकपट्टी बिल जोड़ और बिल देने और कैश वैश के काम के लिए हमारे को बुला लिया 3-4 महीने। उसके बाद 1-1.5 साल हमने काम किया। कॉलेज में रहते हुए भी मैं यहाँ लगातार आता रहा और पूर्ण रूप से मैं 1998 के बाद यहाँ से 1998 पूर्ण रूप से आ गए। और पिताश्री कब तक आते रहे? हमारे फादर अभी 2010-11 तक भी हमारे यहाँ, 12 तक भी उनका पूरा पूर्ण रूप से आते रहे। बिल्कुल 2012 तक पूर्ण रूप से आते थे वो लोग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सारा काम आप ही देख रहे हैं, कैसे क्या? हाँ जी, हमारा जो भी ये थोड़ा सा काम है और सारा काम मैं ही देख रहा हूँ अभी। तो सुबह कितने बजे आते हैं, कब का जाना होता है, जैसे पूरी और सामाजिक तौर पर कहाँ जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर आपका क्या है जो मार्गदर्शन को करें? देखिए, आने का तो मेरा टाइम करीबन 11:30 के करीब है, जाने का 7:30-8, जैसा भी मौका हो, जैसा भी तरीका था। रही बात जुड़ने की, एक स्लीपिंग मेम्बर के हिसाब से तो हम महाराजागढ़ से इन हॉस्पिटल, महाराजागढ़ दिव्य ज्योति ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, मोजी राम आई केयर, ये जो वृंदावन श्री धाम, निष्काम धाम, ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पर लेकिन एज ए स्लीपिंग मेंबर वहाँ हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं है। बिल्कुल में तो आप है? हाँ, दिल्ली में ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन में तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इस टाइम। एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, व्यापार का ठीक ठाक पूरे सब से है, बढ़िया अच्छा लग से। समाज से कुछ जानकारी? समाज से क्या, हमारा नया बाजार एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। धीरे धीरे जिस तरीके से मोनेटाइजेशन के बाद अब हमारा बाजार सुधरने की ओर चल रहा है, बिल्कुल पूरा गल्ला व्यापार। अभी डिजिटल बारे में, डायरेक्टरी बारे में, मेरे बारे में क्या विचार है आपका? डिजिटल डायरेक्टरी, जैसे हनुमानमल गोलछा जी का तो शुरू से डायरेक्टरी किंग के नाम से डायरेक्टरी इज इक्वल टू हनुमान गोलछा, हमारे बाजार के अंदर तो ये शुरू से होता आया है। डायरेक्टरी लाने वाले, सिस्टम बनाने वाले, और अभी डायरेक्टरी नया कॉन्सेप्ट लाने हनुमान गोलछा जी को, इसमें कोई बहुत उनके लिए तो ये नॉर्मल बात है मेरे हिसाब से। तो मैं असुराय को दे रहा हूँ, असुराय देखेगा इसका। मैं तो 53 साल हो गया काम करते करते, असुराय के प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, आशुराय जी को तो मैं एक या दो बार से ही मिला हूँ, लेकिन जब हनुमानमल गोलछा जी ने उनको चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा इतना तो, क्योंकि 53 साल का तो उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उनको हाथ में कमान दी होगी।
धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। व्यापारी भाई देखा है आपने कितने संक्षेप में और सारा कुछ बता दिया, आपका हर से बात से आपको पता चल गया होगा कि आप कितने ऐसे है कि जिसका जितना अपना व्यापार के प्रति और समाज के प्रति जो होना चाहिए वो बराबर दे रहे हैं। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद हनुमान जी।